चलो देखो आज से हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वो टॉपिक हमारा साहित्य से संबंधित है बारिश ज्यादा तेज पड़ रही है क्या तो फिर संख्या कैसे कम हो गई अच्छा शांत हो जाओ क्लास में आज संख्या कम हो गई ना जल्दी आओ जल्दी जल्दी बैठो फटाफट भट से देखो क्या ये दोनों एसी एक ही रिमोट से काम करते हैं अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर दोगे तो एक्शन हो जाता है उस पर इसलिए बंद हो जाता है ठीक है चलो देखो बात को समझो यहाँ पर आज हम जो चीज शुरू करने जा रहे हैं यानी आज से हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य के अंदर आता है हम पढ़ रहे थे अभी तक सामान्य हिंदी और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य है। दोनों में अंतर क्या है देखो सामान्य हिंदी जैसा कि सामान्य हिंदी है तो सामान्य है और हिंदी साहित्य अपने आप में एक सागर है ठीक आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है मान लो कि अगर हम बात करें यहाँ पे यूपीएसआई की चालीस क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो इसका रेशियो कुछ इस तरह से रहता है कि आपका लगभग पैंतीस क्वेश्चन जो है वो सामान्य हिंदी से आएंगे और पांच क्वेश्चन जो है वो हिंदी साहित्य से आते हैं ठीक है कभी कभार ये संख्या ऊपर नीचे हो जाती है वो अलग बात है पर इतना रेशियो होता है इसका कि पैंतीस जो क्वेश्चन है वो सामान्य हिंदी से होते हैं और पांच क्वेश्चन जो है वो हिंदी साहित्य से होते हैं और हिंदी साहित्य में अगर हम स्पेशल बात करेंगे जो फोकस आपका रहता है परीक्षा का जो प्रश्न का वो रहता है रचना एवं रचनाकार ठीक है अब इसके साथ साथ इस साहित्य के अंदर ही हम एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे जैसे अपटित गद्यांश अपटित पद्यांश या फिर इसमें हमारा आता है संक्षेपण एक टॉपिक आता है हमारा जिसे आप अंग्रेजी भाषा में जैसे पी क्यू आर एस करके पढ़ते हैं ना छह सेंटेंस दिए होते हैं ऊपर वाला सेंटेंस और अंतिम सेंटेंस आपका एक जगह लिखा होता है और बीच के जो चार वाक्य होते हैं वो आपको रीअरेंज करने होते हैं एक टॉपिक आता है आपका रिक्त स्थान कि आप रिक्त स्थान को किस तरह से भरेंगे किस तरह से सही करेंगे वो टॉपिक आपका आता है और भी एक दो चीज और है छोटी छोटी जो आपकी परीक्षा में आ जाते हैं और ये एक, -एक नंबर के ही क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन की भी संभावना ऐसी होती है के आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमारा पैंतीस क्वेश्चन को कलेक्ट करता है और इसके बाद जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो उसमें अगर हम गद्यांश को छोड़ दें क्योंकि आजकल गद्यांश पूछा जाने लगा है हालांकि अगर हम सिलेबस की बात करें यू की तो यू के सिलेबस में गद्यांश दिया नहीं था उसके बाद भी गद्यांश आया उसमें तो हम इसलिए नकार नहीं सकते कि अगर गद्यांश न दिया हो तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे बहुत आसान है बहुत सरल है एक बार आप यहाँ पे पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो उसी आसानी से आप निकाल लेंगे अब बात करते हैं हिंदी साहित्य की आप देखेंगे तो मार्केट में भी आप किताबों को देखेंगे तो जो आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी साहित्य होता है बहुत मोटी मोटी किताबें भी आपको मार्केट में मिलती हैं आप लोग भी बहुत घबराए रहते हैं इस चीज को लेकर कि इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी कि ये जो हिंदी साहित्य है ये एक तरह से सागर है अब हिंदी साहित्य कैसा जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अगर हम कहें कि इस पूरे गोले को हम मान लें कि ये क्या है एक हिंदी साहित्य है तो हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और जो मैंने आपको किताब में दिया है वो इसमें से इतना है बात समझ रहे हैं आप और हिंदी साहित्य इतना बड़ा कि अगर हम हिंदी साहित्य की जब बात करते हैं जो यूपीएससी पीसीएस लेवल का जैसे साहित्य हमारा आता है उस समय हम पूरा साहित्य पढ़ते हैं तो उसकी जो क्लास होती है डेली की क्लास कम से कम ढाई से तीन घंटे की और कम से कम छः महीने आपकी विदाउट छुट्टी उसमें सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं होती है अगर आई एस वाली जो क्लास होती हैं आप उनकी बात करें तो तो तब हम इतना पढ़ते तब जाके सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है तो हमें इतना पढ़ने की यहाँ आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है इतना पढ़ना है जो मैंने यहाँ पे दिया है और याद रखिए अगर आपका भाग्य सही रहा तो आपके ये पांचों नंबर ना इसी में से आ जाएंगे ऐसा नहीं है कि नहीं आल, अलग से होगा इसी में से आ जाएंगे बस ट्रिक है वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस कुछ फैक्ट यहां पे आपको दिए जाएंगे और उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्या हुआ ठंड लग रही है हा? बंद कर दो ना तो इसको वैसे भी आवाज करता है ये आज मौसम वैसे भी सही है ठीक है हम्म नहीं इसको रहने दो ये फिर आप लोगों को तो अच्छा लगेगा फिर मेरे को नहीं अच्छा लगेगा है ना यहाँ से आग आती है चलो <laughs> तो कहने का मतलब ये है अब ध्यान देना यहाँ से हम पढ़ेंगे चार पांच दिन की छह सात दिन की क्लासेज और हमारी रहेंगी इसमें जो हम यहाँ पर यहाँ से जो पढ़ना शुरू करेंगे तो उसे आप क्लास में पढ़िए मैं पॉइंट आपको बताऊंगी कि आपको कितना आपको रटना है और ये जो पॉइंट यहाँ पे होगा आपकी परीक्षा से दस दिन पहले आपको इसे करना होगा इससे पहले कोई इसे करने की जरूरत नहीं है वो तरीका बता रही हूँ क्योंकि फोकस आपको किस पे करना है इस पे करना है चालीस में से अगर आपके पैंतीस नंबर भी आते हैं तो आपकी रैंक बहुत ऊंची हो जाती है इस बात को ध्यान देना कहीं ऐसा ना हो कि इन पांच नंबर के चलते में आप अपना पैंतीस नंबर खो दो तो इसलिए मैं स्पष्ट इस बोलती हूं और नहीं आपको डराने वाले बहुत है मार्केट में क्योंकि डर का ही तो व्यापार है जब तक वो डराएंगे नहीं तब तक आपकी चीजें कैसे बनेंगी चलो तो हिंदी साहित्य के अंदर हम कुछ विधाएं पढ़ेंगे आज पहले कावे में आ, जब हमने अभी तक काव्य के बारे में जाना कई बार जाना था कि काव्य क्या होता है काव्य वो होता है जिससे हम अपने मन के भाव प्रकट कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं काव्य कहते हैं अब ये कितनी तरह की चीजों में रखा जाता है अः सबसे पहले तो काव्य की परिभाषा है जैसे दी हुई है अच्छा मुझे बताइए कितनी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये पूरा लिखा हुआ है और कितनी किताबें जिसमें नहीं लिखा हुआ नई वाली किताब में नहीं लिखा हुआ है पुरानी में लिखा हुआ है बस चे... हा हा ठीक है तो जिसमें नहीं, नहीं लिखा हुआ है मैं बोलूंगी लिखते रहिएगा ठीक देखो जो आपकी परिभाषा है काव्य की परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी घटना या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त यानी प्रकट किया जाता है उसे काव्य कहते हैं और काव्य के संग्रह को ही साहित्य कहा जाता है और ये जिस भाषा का होता है उस भाषा का साहित्य कहा जाता है अब ये बात तो हमें यहां समझ में आ गई अब एक शब्द और आता है हमें सुनने के लिए जिसे हम कहते हैं विधा एक शब्द और आता है विधा कहते हैं ठीक है कि यह कौन सी विधा है या ये किस विधा के लेखक हैं? दूसरा अब ये एक दो कुछ ऐसे शब्द में लिख देती हूं जिसमें आपको अंतर पता चले अब चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो समझ लेना एक शब्द आता है लेखक एक शब्द आता है कवि एक शब्द आता है पद और एक शब्द आता है जैसे गद तो इनमें आप क्या हुआ आए हैं अच्छा मैं दो मिनट में आती हूं देखो बातें बनाना शुरू कर दिया हाँ चलो देखो इन शब्दों में अंतर समझो जैसे हम बात करें अगर लेखक और कवि इन दोनों में क्या अंतर है क्या समझते हो क्या अंतर समझते हो या दोनों एक ही चीज है देखो ये दोनों शब्द जो है ये पद और गद इन दोनों से संबंध रखते हैं सबसे पहले हम बात करें जो गद्य है गद्य का मतलब होता है जैसे कहानी के रूप में या हम कहें कि वाक्यों के रूप में लिखी गई मनोवृत्ति या कहें अपना जो मनोभाव या काव्य वाक्यों के रूप में जो लिखा गया काव्य है वो क्या कहलाता है गद्य कहलाता है और जो पद है ये छंद के रूप में लिखा गया अब कविता शब्द से पूरा छंद ही आ जाएगा क्योंकि कविता जो है वो भी एक प्रकार का छंद ही है और बाकी जितने दोहा सोठा रोला सबका अलग अलग नाम लेने की बजाय हम कहेंगे जो छंद काव्य की रचना करता है या जो छंद काव्य होता है उसी को क्या कहते हैं पद्य कहते हैं अब जो पद्य लिखता है वो क्या कहलाता है कवि कहलाता है और जो गद्य लिखता है वो क्या कहलाता है लेखक कहलाता है लेखक का स्त्रीलिंग हो जाएगा लेखिका और कवि का स्त्रीलिंग कवित्री ठीक है कविता नहीं होगा कवित्री तो कविता तो उस कविता के नाम पे रखा गया है कुछ भी मतलब अब देखो विधा जो विधा शब्द है विधा शब्द क्या होता है इसे हम देखेंगे विधा का मतलब क्या होता है जैसे मान लो हमने छंद पढ़ा और छंद में हमने दोहा पढ़ा चौपाई पढ़ी सोठा पढ़ा। तो इनमें क्या अंतर था दोहा और चौपाई में क्या अंतर था तो हमें देखने में पता चला कि उसके चरण में जो मात्राएं हैं उनका अंतर था यानी ये अलग शैली में लिखा जा रहा है ये अलग तरीके से लिखा जा रहा है अलग तरीके से ऐसे ही जिस प्रकार से पद के जो रचनाएं हैं उनको हमने एक नाम दिया सॉरी छंद उसी तरह से जो हमारी गद की रचनाएं हैं उनको हम एक नाम दे देते हैं विधा और इस विधा के अंदर आता है हमारा शब्द जैसे कहानी कहानी क्या होगी कहानी अपनी एक अलग तरीके से लिखी जाएगी अलग शैली पर लिखी जाएगी इसी तरह से अगर हम देखें एकांकी तो ये एकांकी इसकी अपनी अलग शैली होगी जैसे इसी क्रम में हम देखें नाटक तो नाटक लिखने का अलग तरीका होगा उसी तरह से जैसे उपन्यास तो उपन्यास लिखने का अलग तरीका होगा तो ये सारी चीजें यानी कहानी एकांकी नाटक इन सबको अगर हम एक रूप में कहना चाहें या एक साथ नाम लेना चाहें तो हम क्या कहेंगे विधा ठीक है और जिस प्रकार से हम किसी कवि के लिए बोलते हैं कि उसके बारे में जान लो कि वह किस छंद का कवि है तो उसी तरह से लेखक से भी पूछा जाता है कि आप किस विधा के लेखक हैं ठीक है थीके? तो कोई कहता है मैं उपन्यास लिखता हूँ कहानी लिखता हूँ नाटक लिखता हूं या ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई एक ही का होता है किसी को एक चीज में पारंगत हासिल होता है और किसी को होता है कि वो सारी चीजें लिखता है ठीक है तो इसी तरह से अब हम जानेंगे इसमें अच्छा मुझे बताइए आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो साहित्य पढ़ते रहे हैं इनमें से कुछ बस जो क्लासेस में आया अलग से कभी शौक नहीं रहा ऐसा कुछ कहानी पढ़ने और अच्छा ये बताइए कि आप ऐसा शौक रखते हैं या नहीं रखते रखते तो है पर बात ये कि जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर बोरियत लगने लगती है अच्छा ये बताओ कि अगर आप पढ़ने वाले में अगर आपको पढ़ना ना पड़े केवल सुनना हो तो आप उसे पसंद करेंगे चलो अब इतने सारे लोगों में एक को नहीं है हम बात तो अस्सी परसेंट की करते हैं तो ये बीस परसेंट में छोड़ जाते हैं से लोग चलो कोई बात नहीं देखेंगे क्या पसंद करते हैं नहीं आगे चलते हैं सॉरी बात करेंगे इसमें अब हम बात करते हैं जो हमारा काव्य है हाँ किसमें भेद अंग और गुण ठीक है इन देखो ये शब्द भी इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं शब्द है जैसे भेद शब्द है अंग और शब्द है गुण तो गुण तो साधारण सा है गुण का मतलब हो जाएगा उसके लक्षण ठीक है उसके अंदर क्या क्या लक्षण है जिसे आप विशेषता के नाम से भी पढ़ लेते हैं ठीक है भेद का मतलब हो जाता है प्रकार ठीक है भेद का मतलब क्या हो जाएगा प्रकार कि वो कितने प्रकार का है अलग अलग से और जो अंग है इसका एक तरह से आप ऐसे समझो उसका हिस्सा या उसका भाग आप इसे भाग समझ सकते हो अवय अब इसे उदाहरण से समझ लो जैसे हमने रस पढ़ा तो रस में जो अंग थे वो क्या थे स्थाई भाव संचारी भाव अनुभाव विभाव ये सब क्या थे रस के अंग यानी भाग थे लेकिन श्रृंगार रस वीर रस अद्भुत रस ये सब क्या थे उसके प्रकार थे ठीक है और अगर हम उसके गुण की बात करें तो गुण था उसमें आनंद ठीक इस तरह से ये अंतर होता है चलो तो अब हम इस काव्य के भेद की बात करते हैं कि काव्य कितने प्रकार का होता है। तो काव्य को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं दो आधार पे एक तो उसके स्वरूप के आधार पर बांट लेते हैं और दूसरा शैली के आधार पर शैली मतलब वो उनकी प्रकृति किस तरह की है इस आधार पर तो यहाँ पे वैसे तो ये आपका आप पास लिखा हुआ है ना ये चार्ट और आगे इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं चीजों को हल्का हल्का पहले यहाँ समझते हैं जब हम स्वरूप के अनुसार बात करते हैं स्वरूप यानी उसका आकार किस तरह का होता है किस किस टाइप का वो होता है तो ये काव्य हमारा दो प्रकार का होता है एक होता है श्रव काव्य और एक होता है काव्य श्रव काव्य के अंदर हम जाते हैं तो श्रव काव्य हमारा दो प्रकार का होता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य और जब हम मुक्त काव्य के अंदर जाते हैं तो फिर ये दो प्रकार का होता है महाकाव्य और खंड काव्य अगर हम इसकी डिटेल चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि श्रव काव्य वो होता है जिसे हम पढ़ते हैं सुनते हैं और जिसे लिखा, लिखा जाता है यानी किताबी में ठीक है और दृश्य काव्य वो होता है जिसे हम देखते हैं जैसे आप मूवी देखते हो तो वर्तमान समय में दृश्य काव्य बहुत ज्यादा चलन में है हम मूवी देखना पसंद करते हैं शॉर्ट मूवी आती है सीरीज आती है ये सब तो ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे दस काव्य के अंदर आते हैं श्रव काव्य में जब दो काव्य बांटा जाता है प्रबंध काव्य का मतलब होता है इस काव्य के अंदर कोई एक नायक या एक नायिका होती है जिसके जीवन के बारे में एक पूरा क्रम से सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन जो मुक्तक काव्य होता है मुक्तक काव्य वो होता है कि एक ही छंद के अंदर किसी एक घटना को प्रो दिया जाता है और उसके उससे पहले की घटना या उसके बाद की घटना का कहीं कोई आपको जिक्र नहीं मिलता है वो एक ही चीज़ पे पॉइंट पे आती है और वहीं ख़त्म हो जाती है जैसे मीरा के दोहे हैं या जैसे कबीर जी के दोहे हैं जैसे बिहारी जी के दोहे हैं तो ये एक ही घटना को उठाते हैं और एक छंद में पिरोते हैं और अपनी बात कह देते हैं तो ऐसा काव्य क्या कहलाता है मुक्त काव्य कहलाता है प्रबंध के अंदर महाकाव्य और खंड काव्य दो प्रकार से होता है महाकाव्य होता है कि यह किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की कहानी होती है या कहें लगभग जीवन की कहानी होती है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं लघु कथाएं होती हैं और ये सारी चीजें क्या है तो इनको हम आगे विस्तार में बात करते हैं पे। इसके अंदर सात या सात से अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य इसमें कम साथ से कम सर्ग पाए जाते हैं ठीक है तो खंड काव्य क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है तो उसे हम खंड काव्य के अंदर रखते हैं जब हम इस पूरे काव्य को फिर दोबारा से देखते हैं शैली के अनुसार तो शैली के अनुसार हमारा काव्य कब आया है आधुनिक काल से हुआ आधुनिक काल से पहले हमारा काव्य केवल और केवल पद काव्य था लेकिन आधुनिक काल के बाद हमारा गद काव्य भी आया तो ये तीन प्रकार का होता है पद काव्य गद काव्य और चंपू काव्य पद काव्य के अंदर आता है केवल जो हमारा पद्यांश होता है या कहें छंद में लिखी गई रचनाएं पूरी तरह से ठीक है और काव्य के अंदर होता है जो हमारी रचना पूरी तरह से वाक्यों के अंदर समेटी गई है गद्यांश के रूप में लिखी गई है तो वो हमारे क्या कहलाती है गद काव्य कहलाती है और जो चंपू काव्य है इसके अंदर गद और पद दोनों में हमारी कहानी चलती है मतलब कुछ कहानी चलती है आपकी एक कहानी के रूप में वाक्यों के रूप में और कुछ समय के बाद फिर कविता कोई छंद दे दिया जाता है उसमें भी कहानी आगे बढ़ जाती है इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर आप पुरानी मूवीज को अगर आप देखोगे तो पुरानी मूवी में जो गाने हुआ करते थे कहानी के अंदर वो अगर किसी गाने को आप ना देखें स्किप कर दें तो आपको कहानी का जो एक भाग है वो मिसिंग हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये यह आगे कैसे बढ़ गई क्या हुआ इसमें तो कहने का मतलब ये है कि उस गीत के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ जाती है वर्तमान समय के गानों की बात करें तो वर्तमान समय में ऐसे होते हैं जैसे ऊपर से थोप दिए गए हैं अगर सारे गाने हटा दो तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है कुछ भी मिसिंग नहीं होता तो ये अंतर आ गया है हमारे काव्य में और अगर आप काव्य को तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब देखेंगे और प्राचीन समय के काव्य को देखें या प्राचीन समय की मूवीज को भी अगर आप देखें तो आप पाएंगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि प्रेजेंट टाइम में लोगों ने साहित्य को केवल और केवल अपनी इनकम का जरिया बना लिया है कि बस हमारी कमाई हो जाए जो दर्शक है जो श्रोता है उसको उससे कोई लाभ हो या ना हो बहुत सबने ऐसा नहीं किया है फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी जिसमें हमें आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो पर आप देखेंगे जैसे धीरे धीरे अगर पढ़ते हैं इसमें तो इंटरेस्ट लेंगे साहित्य वैसे तो बहुत अच्छा होता है तो ये बात समझ में आई कि चंपू काव्य हमारा क्या होता है जिसमें गद और पद दोनों के माध्यम से चलता है चलो इसको एक एक करके समझ लेते हैं जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं कई बार हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकते ये यूपीएसआई में तो देखने को कम ही मिला है इसमें से प्रश्न लेकिन एमपीएसआई में और अध्यापक वाली परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब बन गए तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे भी ना तो आप जो ये मॉक टेस्ट देते हैं ना जो बाहर आ रहे हैं ये आपका कॉन्फिडेंस ना तोड़ के रख देंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेपर को टफ बनाने के लिए इनके खुद के बस की तो है नहीं कि अगर टफ़ बनाने की कोशिश करें तो सिलेबस में से ही रख लें तो इनके खुद के बस की तो है नहीं तो ये वो वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं जो टीजीटी पीजीटी में आते हैं जो आपने नहीं पढ़े आपके सिलेबस से आउट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे आप आके मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो मेरे इतने नंबर कम हो जाते हैं मेरे ये हो जाता है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि इसलिए आप इन पर ध्यान देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अब बात करेंगे सबसे पहले शब्द काव्य की पंक्ति कहती है कि जिस काव्य का आनंद लिखा हुआ नहीं है ठीक है आ, यहां से नहीं लिखा हुआ है ना तो चलिए लिखिए सामने लिखा हुआ भी है जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर सभी लिखो रफ कॉपी निकाल लो जिनका लिखा हुआ है वो भी लिखो ठीक सब पड़ोसी भेज दे दो पेज दे दो निकाल के भेज दे दो इनको हाँ हाँ वहां से नहीं भेज दे दो यहाँ दे, दे देंगे हम हम्म तो पंखा बंद नहीं किया अरे जल्दी लिखो फटाफट दे, दे, दे दो दे दो भाई दे दो और किसको चाहिए पेज दे दो इनको दे दो बस लिखना है लिखो ठीक है नहीं लिखना है इस पेज से फिर मैं आप लोगों की चेक करूंगी कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है ठीक है रुको इनका कहना है कि इनकी परीक्षा में लिखने के लिए नहीं आता है एक बात बताओ बेटा आप जब मेरे पास आए उससे पहले ये आपसे किसने कहा कि आपको हिंदी नहीं आती बताइए शांत हो जाइए। नहीं आपको हिंदी आती थी आप हिंदी पढ़ भी सकते थे और आप हिंदी बोल भी सकते थे नहीं जो आता था वो था लेखन आपको लिखने में समस्या आ जाती थी और वही चीज आप नहीं सीख रहे हो तो मेरे पास पढ़ने के बाद भी वैसे ही रहोगे अच्छा एक बात बताओ अगर पेन चला लोगे आज की क्लास में तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? आपना? भले ही आपकी परीक्षा में नहीं आता ज्ञान है कभी कभी काम आएगा, ठीक है तो इसलिए लिखो पेन चलाओ भले ही एक शब्द लिखो पूरी लाइन मत लिखो चाहे लिखने की नौटंकी करो पर लिखो ठीक ध्यान दो लिखो जल्दी से लिख लो बोलने की जरूरत नहीं सामने लिखी है परिभाषा जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर लिया जाता है उसे काव्य कहते हैं तभी तो, तो बोल रही हूं ना लिखो जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव काव्य कहते हैं उसे श्रव काव्य कहते हैं पूर्ण विराम लगा के देखो ये लिखा हुआ है ये लाइन ठीक है श्रव काव्य हमारा दो प्रकार का होता है प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य तो सबसे पहले प्रबंध काव्य के अंदर लिखना है आपको लिखिए जिस काव्य में जिस काव्य में कोई कथा जिस कावे में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में कही जाती है जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में कही जाती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं उसे प्रबंध काव्य कहते हैं देखो हमने यहां पे पढ़ा कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं जिसमें कोई कथा हमारी एक व्यवस्थित ढंग से यानी कहेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से होके लास्ट तक पूरी घटना का वर्णन करते हुए आगे लिखिए प्रबंध काव्य हमारा दो प्रकार का हो जाता है महाकाव्य और खंड काव्य तो सबसे पहले महाकाव्य के बारे में लिखिए लिखिए महाकाव्य में महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक हालांकि मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है अब आप लोग आराम से समझ सकते हैं इसको इतिहास शब्द में आपको बस एक प्रत्यय लगा के लिखना है ठीक तो है तो लिखिए किसी ऐतिहासिक या पौराणिक और आपको पता है पौराणिक शब्द किससे है? पुराण से ठीक है एक लगाकर तो महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के महापुरुष के संपूर्ण जीवन की महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन किया जाता है महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन किया जाता है इसमें आठ या आठ से अधिक सर्ग होते हैं अच्छा मैंने पहले बताते समय मैंने गलत बोल दिया था सात कह दिए थे ठीक है उसको सही करना है इसमें आठ या आठ से अधिक सर्ग होते हैं अरे पहले लिख लो <coughs> तसली नाम की चीज नहीं है हर चीज को बताती हूँ पहले लिख लो इसमें आठ है या आठ से अधिक सर्ग होते हैं अब देखो दिमाग में क्वेश्चन आता है सर्ग क्या है आप समझते हो इसको शब्द को भाग मतलब भाग या हिस्सा या कांड या अध्याय इन शब्दों को समझते हो ना तो यही सर्ग कहलाता है ठीक है जैसे हम कहते हैं ना रामायण में आपने देखा होगा कि कांड कहते हैं उसमें सुंदर कांड या अयोध्या कांड बाल कांड तो एक यानी एक जब एक समय से एक घटना हमारी घटी और उस घटना के बाद जब हम थोड़ा लंबा या तो हम स्थान को चेंज करते हैं या हम समय में एक छलांग लगाते हैं तो ऐसी वजह से हमारे जो पार्ट हैं वो वहां पे रोक दिए जाते हैं और फिर उसके बाद नई तरीके से शुरुआत होती है तो उसी के लिए जब हम समय या स्थान को बदलने की कोशिश करते हैं या घटना क्रम को बदलने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो स्टॉप आता है और जो वो हिस्सा होता है उसको हम सर्ग के नाम से जानते हैं ठीक है तो जो हमारा प्रबंध काव्य सॉरी महाकाव्य जो है हमारा तो उसमें आठ या आठ से अधिक सर्ग होते हैं इसी में आगे लिखो इसमें एक रस प्रमुख होता है इसमें एक रस प्रमुख होता है और कोई भी जो इसमें एक रस प्रमुख होता है देखो जब कोई महाकाव्य होता है तो उसमें प्रमुखता दी जाती है कि यह इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पद्यांश पाए जाएंगे वो किस रस के होंगे तो ये इसलिए कहा गया है कि एक रस प्रमुख होता है जैसे मान लो हम पृथ्वीराज चौहान के अगर महाकाव्य की बात करें जो पृथ्वीराज रासो है तो वो वीर रस प्रधानता है क्योंकि उसमें जो वर्णन किया गया है ज्यादा से ज्यादा वीरता का वर्णन किया गया है इसी तरह से आगे इसमें लिखिए इसमें प्रमुख कथा के साथ साथ इसी में पूर्ण विराम लगा के लिखना है इसमें प्रमुख कथा के साथ साथ प्रमुख कथा के साथ साथ लघु कथाएं इसमें प्रमुख कथा के साथ साथ लघु कथाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं लघु कथाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं मतलब बहुत अधिक मात्रा में हमें कह सकते हैं टुकड़ा <clears throat> नहीं टुकड़ा हिस्सा भाग हाँ ठीक है तो अब ये देखो लघु कथा कैसे होती है इसको ऐसे समझो जैसे मान लो आप रामायण की बात करते हैं या महाभारत की बात करते हैं तो रामायण में हमने देखा कि रामायण में जो मुख्य कहानी है वो किसके जीवन की है राम के जीवन की है लेकिन इसमें और भी बहुत सारी कहानियां हैं और जैसे हम बात करें कि केवट की कहानी आती है कि केवट कौन था तो जब केवट का वर्णन आता है तो उस समय कथा का वर्णन किया जाता है या हम बात करें जैसे अहिल्याबाई जब अहिल्याबाई के उद्धार के समय आया था तो उसके जीवन में वो कैसे आई कैसे पत्थर बनी ये सारी कहानी उसमें आती है तो ये क्या है छोटी छोटी कहानियां हैं और छोटी छोटी कहानियां जो जिसमें होती हैं तो वो महाकाव्य होता है ठीक है इसमें उदाहरण में लिख लो जैसे जैसे पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जैसे पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है और रामचरित मानस आदि पद्मावत भी है लिख लो हम्म पद्मावत के अंदर अगर देखा जाए विद्वानों के दृष्टिकोण से तो शांत रस माना जाता है <laughs> अन्योक्ति अलंकार है अन्योक्ति अलंकार की प्रधानता है पद्मावत के अंदर ठीक है करुण रस नहीं है बिल्कुल भी मैंने ये नहीं बोला कि करुण रस की प्रधानता है मैंने ऐसे बोला है कि दुख के दुख में आनंद कैसे है मैंने आपको ये बताया था कि दुख में आनंद कैसे जैसे मैंने बोला था कि आ, बच्चे ये पूछते हैं कि वियोग रस वियोग, रस और करुण रस के अंदर दुख होता है दर्द होता है तो इसमें आनंद कैसे तो वो चीज मैंने आपको बताई थी उस उदाहरण में ठीक है आधी बातें मत सुना करो आधी बातें के दिमाग में गलत चीजें निकाल दो मैंने ये नहीं कहा था कि बागवान में करुण रस है मैंने ये कहा था कि बागवान में दुख है रोना है वियोग है तो उसमें आनंद कैसे है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा ठीक है हाँ देख ली चलो हाँ वही तो यही तो मुझे डर लगता है हाँ चलो शांति से पढ़ो ये करवा देंगे अगला देखो खंड काव्य लिखो खंड कावे खंड काव्य में लिखो चलो, चलो चलो ठीक है हाँ देखो अरे मैं मान रही हूँ मुझे पता है पर मेरी एक बात है मैं अपनी ज्यादा देर तारीफ सुनना पसंद नहीं करती क्योंकि ज्यादा देर तारीफ सुनने से ना इंसान कहता है ना चने के झाड़ पे चढ़ जाता है और मैं मेरी क्वालिटी को गिराना नहीं चाहती इसलिए मैं हाँ ठीक है अच्छी बात है मैं उस पर चर चर्चा नहीं करती और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्टूडेंट जब पढ़ के जाते हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं और कई बार वो अतिशोक्ति तक करके बातें बोलते हैं बच्चों से तो तो वो चीज अलग है वो उनका प्यार है ठीक है चलो खंड काव्य में लिखो खंड काव्य में किसी के जीवन की खंड काव्य में किसी के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है खंड काव्य में किसी के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है पूर्ण विराम लगा के लिखिए इसमें सात या सात से कम इसमें सात या सात से कम सर्ग होते हैं इसमें सात या सात से कम सर्ग होते हैं अरे रहनी दो अब मैं क्या बोलूं इसमें सात या सात से कम सर्ग होते हैं पूर्ण विराम लगा के लिखो खंड काव्य में केवल खंड काव्य में केवल एक प्रमुख कहानी होती है खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कहानी होती है इसमें लघु कथाएं नहीं पाई जाती खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कहानी होती है इसमें लघु कथाएं नहीं पाई जाती इसमें लघु कथाएं नहीं पाई जाती जैसे सुदामा चरित, जैसे सुदामा चरित चरित ता लिखना है त्र नहीं लिखना ठीक ये ध्यान रखना सुदामा चरित जानकी मंगल आदि वो मुझे नहीं पता कि महाकाव्य है कि खंड काव्य है अगर रामायण है ना तो रामायण का कोई भी होगा तो वो खंड काव्य में आ नहीं सकता क्योंकि पूरी कहानी के अंदर बहुत सारे किस्से कहानियां होते हैं जो उसमें वर्णित करने होते हैं ठीक है तो इसमें अब देखो ऐसे समझो सुदामा चरित की अगर हम बात करें तो सुदामा चरित में जो कहानी लिखी गई है वो केवल और केवल कृष्ण और सुदामा की कहानी है और वो भी तब की है कि जब कृष्ण द्वारका के राजा हो चुके हैं और सुदामा बहुत ज्यादा गरीब हो गया है और वो अपने मित्र से मदद पाना चाहता है और उस समय का किस्सा है कि जब वो अपने मित्र के पास जाता है तो कृष्ण कैसे उसका स्वागत करते हैं और किस तरह से उसकी मदद करते हैं वो कहानी है इसमें तो इसमें किसी और की कहानी नहीं हाँ महाभारत आपका महाकाव्य है और वो बहुत बड़ा महाकाव्य है वो रामायण से भी बड़ा काव्य है ठीक है हम्म उसमें तो नहीं हजारों सर्ग नहीं है उसमें हजारों पात्र हैं आप ये कह सकते हो उसमें कहानी हाँ सर्ग अलग अलग हैं आगे देखो जल्दी करो बहुत सारी देखो बातें नहीं करना है हमें सारी चीजें पढ़नी है आज खत्म करनी है सारी विधाएं और क्योंकि लिखने का काम आप लोगों को दे दिया है तो ये डेढ़ घंटे से ज्यादा जाएगा इसलिए जितना ज्यादा आप अपनी तेज स्पीड रखेंगे उतना समझ में आएगा जल्दी इसके बाद हमारा मुक्त काव्य आता है नंबर टू पर यानी जब हम प्रबंध काव्य पढ़ रहे हैं प्रबंध काव्य के बाद हमें मुक्त काव्य जानना है तो लिखिए इसमें मुक्त काव्य में एक ही छंद के माध्यम से मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से किसी घटना मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से किसी घटना का वर्णन किया जाता है मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से किसी घटना का वर्णन किया जाता है अगले छंद में कोई अलग घटना होती है अगले छंद में कोई अलग घटना होती है अगले छंद में कोई अलग घटना होती है पूर्ण विराम लगा के मुक्तक काव्य में कोई कहानी नहीं होती मुक्तक काव्य में कोई कहानी नहीं होती इसमें छोटी छोटी घटनाओं का इसमें छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन छंद के माध्यम से होता है इसमें छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन छंद के माध्यम से होता है जैसे कबीर के दोहे जैसे कबीर के दोहे मीराबाई के दोहे आदि जैसे कबीर के दोहे मीराबाई के दोहे आदि जैसे कबीरदास जी ने छोटी छोटी घटनाओं को पिरोया है आपने दोहे में तो आप लोगों ने सुने होंगे कि कहा है कि बकरी खाती पात है ताकि खाड़ी काल जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल यानी बकरी ने तो केवल हरे पत्ते खाए तब उसकी खाल निकाली जाती है और जो नर बकरी खाते हैं उनका क्या होने वाला है ये तो परमात्मा ही जाने हम्म चलो ठीक है अब ये तो बहुत ही बड़ी बात कही मतलब सच बताऊं मुझे ऐसे लोगों पे इतनी हंसी आती है इतनी हंसी आती है मतलब ये आज मंगलवार आज हम शुद्ध शाकाहारी हैं भाई मुझे एक बात बताओ सोमवार चंद्रमा का दिन है तो चंद्रमा भी हमारे लिए देवता है ठीक है और सोमवार के दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है तो वो भी हमारे लिए देवता हैं हम अगर रविवार की बात करें तो सूर्य देव और सूर्य देव नाराज हो गए अगर नहीं निकले 24 घंटे तो त्राहिमाम मच जाएगा है ना तो उनसे हमें कोई डर नहीं फिर अगर हम बात करें कि उसके बाद बुधवार आता है तो बुद्ध जो दिन है वो गणेश जी का और कहते हैं कि अगर गणेश का काम तो पूरे जितनी भी ये शुभ बातें होती हैं मंगल कार्य जितने भी होते हैं सबके स्वामी हैं अगर वो नाराज हुए तो तुम्हारे जीवन में कोई मंगलमय काम होगा ही नहीं फिर बृहस्पतिवार आ जाता है भगवान विष्णु पालनकर्ता का या गुरु का उसके बाद शुक्रवार आ जाता है कहते हैं माता आ, कौन सी संतोषी माता वो तो अगर एक बार रुष्ट हो जाए तो पता नहीं क्या क्या कर दें उसके बाद फिर शनिवार आ जाता है शनिदेव की अगर वक्र दृष्टि पड़ी तो समझ में आ जाएगा कि क्या होगा हाँ तो सात दिन है सातों के सातों दिन खत्म अरे संडे बताया नहीं सूर्य देवता तो आप ये बताओ इन सातों दिन में से कौन सा दिन बचा जिस दिन आप मांसाहारी हो सकते हैं अच्छा क्या मानता है वे चलो हम मुद्दे से नहीं भटकते पढ़ाई करो अपनी आओ बाद में बात करेंगे शाकाहारी मांसाहारी दो तरह की मांसाहारी काव्य में लिखो दृष्ट काव्य में लिखो आगे देखो जिस काव्य का आनंद जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर जिस काव्य का आनंद अब शांत हो जाओ ठीक है देखो जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है पात्रों के अभिनय को देखकर पात्रों के अभिनय को देखकर जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग ठीक है अभिनय को देखकर लिया जाता है उसे काव्य कहते हैं और ध्यान रखिए आनंद शब्द के साथ आनंद लिया जाता है आनंद किया नहीं जाता ठीक है और ना आनंद मिलता यह बात ध्यान रखिएगा तो आ, क्रिया भी शब्दों के साथ हमें सीखनी है वाक्य में तो जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देख कर लिया जाता है उसे काव्य कहते हैं उदाहरण में लिखो जैसे नाटक फिल्म आदि वो सब आ जाएंगे ठीक है अब समझ गए आदि का मतलब ये होता है वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगे तो देखो जो हमने दृश्य काव्य की बात करी है तो दृश्य काव्य में इस पात्र शब्द का मतलब क्या है पात्र शब्द का मतलब है उस के अंदर काम करने वाले जितने भी आ, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं या नायक नायिकाएं जो भी होती हैं चाहे वो मुख्य हो चाहे सह हो ठीक है उससे हमें कोई मतलब नहीं है जितने भी पात्र जितने भी लोग उस अभिनय में भाग लेते हैं वो सब क्या कहलाते हैं पात्र कहलाते हैं ठीक है अब पात्र एक ऐसा शब्द है जिसमें स्त्रीलिंग और पुरलिंग दोनों आ गए अगर हम बात करते हैं नायक की तो केवल क्या हो जाता है एक हीरो जो हमारा मेन होता है उसकी बात हो जाती है लेकिन जब हम पात्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें वो कोई भी हो सकता है ठीक इसलिए हम पात्र शब्द लिखते हैं आगे देखो अगला आता है हमारा कि जब हमने इसके बारे में जाना यानी तो अब शैली के अनुसार जो हमारा शैली के अनुसार दूसरे प्रकार का है पद काव्य तो उसमें लिखिए एक लाइन इस काव्य में पद काव्य के अंदर लिखना है इस काव्य में किसी कथा का वर्णन इस काव्य में किसी कथा का वर्णन काव्य के गाए जाने वाले पदों इस काव्य में किसी कथा का वर्णन काव्य के गाए जाने वाले पदों में ब्रैकेट में लिखिए दोहा सोरठा चौपाई आदि दोहा सोरठा चौपाई आदि ब्रैकेट बंद गाए जाने वाले पदों में ब्रैकेट में लिखना है दोहा सोरठा चौपाई आदि ब्रैकेट बंद किया जाता है जैसे रामचरितमानस, भ्रमरगीत आदि जैसे रामचरितमानस, भ्रमरगीत आदि हाँ भ्रमरगीत ऐसे ही तो है ठीक है जैसे रामचरित मानस है उसी तरह से वो हमने तो दो, दो ही जो पढ़े थे वहां पे वो एक एक दो दो लिए थे क्योंकि हम तो रस पढ़ रहे थे अलंकार पढ़ रहे थे हमें तो उसमें उन चीज़ों को जानना था हम कोई कहानी नहीं पढ़ रहे तो जब हम पढ़ते हैं तो पूरी घटना एक के बाद एक एक के बाद एक पूरी कहानी समझ में आती है हमें दूसरा लिखो गद काव्य के अंदर जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन कथा ब्रैकेट में लिखी कहानी जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन कथा ब्रैकेट में कहानी के रूप में किया जाता है के रूप में किया जाता है उसे गद काव्य कहते हैं उसे गद काव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखिए कहानी एकांकी नाटक आदि कहानी एकांकी नाटक आदि चंपू काव्य लिखिए इसमें जिस काव्य में जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन गद्य और पद ग और पद दोनों विधाओं में किया जाता है दोनों विधाओं में किया जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं जैसे यशोधरा जैसे यशोधरा कौमा करके भारत दुर्दशा जैसे यशोधरा भारत दुर्दशा आदि ये दोनों ऐसे काव्य हैं जो गद्य और पद दोनों में लिखे हुए हैं तो यशोधरा में आपने देखा होगा जो हमने पढ़ा था सखी वे मुझसे कहके जाते वो उसी में से यशोधरा में से ही हैं वो पंक्तियां ठीक है तो इसके बाद अच्छा इसके बाद मुझे बताइए इसके बाद भी लिखना है क्या इसके बाद लिखा हुआ है सारा चलो तो यानी यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारा काव्य है स्वरूप के आधार पर वो इतने प्रकार का होता है अब हम देखेंगे गद्य काव्य की कुछ विधाएं। ये तो हमने देखा था पद काव्य की विधाएं थी पद काव्य के अंदर इनका रूप है अब गद्य काव्य के अंदर देखेंगे तो गद काव्य में इसकी परिभाषा देख लो विधा की ऐसे तो आप समझ ही गए हो विधा का अर्थ है एक तरह का किस्म या वर्ग या श्रेणी ठीक है अर्थात साहित्य में काव्य जिस शैली में लिखा जाता है या हम इसे कहें कि हिंदी साहित्य में कह सकते हैं या फिर ये सबके लिए ही होता है खैर तो जि, जिस शैली में लिखा गया है वो काव्य उसे ही हम क्या कहते हैं विधा कहते हैं अब उदाहरण के तौर पर आपके सामने इतने सारे नाम हैं उपन्यास कहानी नाटक एकांकी जीवनी आत्मकथा निबंध आलोचना और यात्रा वृत्तांत इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं पर हमें जो देखने को मिलेंगे वो कुछ इसी तरह से मिलेंगे हमें इन्हीं के नाम देने हैं तो इसमें एक एक करके समझ लेते हैं कि उपन्यास क्या होता है तो उपन्यास क्या है तो उपन्यास के बारे में है हमें दिया हुआ है दो पंक्ति है उपन्यास हिंदी साहित्य की गद्य विधा है इस विधा में किसी चरित्र के संपूर्ण अथवा या तो पूरा होगा जन्म से लेकर मृत्यु तक या फिर अधिकांश जीवन की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है विस्तार पूर्वक वर्णन होता है यानी हम पूरी उसकी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं घटी होती हैं कई सारी घटनाएं मतलब उसकी 100 डेढ़ सौ घटनाएं भी उसके अंदर हो सकती हैं उसके जीवन की वो सारी घटनाएं उसमें होती हैं इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाओं को भी स्थान दिया जाता है अब अगर आपसे ऐसे प्रश्न कर ले एग्जामिनर कि गद्य कथा गद्य विधा का उपन्यास पद्य विधा के किस काव्य के बराबर है या किस काव्य के समकक्ष है तो अभी आपने महाकाव्य के बारे में सुना कि महाकाव्य में क्या होता है पूरा एक वर्णन होता है जीवन का और उसमें भी लघु कथाएं होती हैं बस अंतर क्या है कि महाकाव्य में पद्यांश में लिखा होता है और जो ये उपन्यास है इसमें गद्य में लिखा हुआ है गद्यांश में लिखा हुआ है तो यानी ये बिल्कुल महाकाव्य का क्या हो जाएगा समकक्ष हो जाएगा हम ये कह सकते हैं तो अगर इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप अपने दिमाग से आंसर दे सकते हैं देर उसको आपको समझना है सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसे ही रट लिया हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपने महाकाव्य को अलग पढ़ा और उपन्यास को अलग पढ़ा दोनों की चीजें जो है वो सेम टू सेम है इसमें भी लघु कथाएं होती हैं एक मुख्य कथा के साथ साथ ठीक है तो अंतर बस दोनों में आपको क्या आ रहा है एक गद्य काव्य है और एक पद काव्य है ठीक है इसे कहानी की बड़ी इकाई भी कहते हैं एक प्रश्न आया हुआ था कि निम्न में से कहानी की बड़ी इकाई किसे कहा जाएगा तो उपन्यास को कहा जाएगा क्योंकि जिस शैली पर कहानी लिखी होती है उसी शैली पर उपन्यास लिखा होता है अब दोनों में अंतर क्या होता है जो उपन्यास है ये अगर हम देखें तो अन्य पुरुष शैली में लिखा होता है अन्य पुरुष शैली का मतलब क्या समझते हैं हम कि कोई तीसरा व्यक्ति लिख रहा होता है किसी और व्यक्ति के बारे में ठीक है कई बार ऐसा होता है कि मान लो अगर मैं आपको कहानी सुना रही हूँ किसी ए पर्सन के बारे में और मैं आपको बता रही हूं कि पहले वो वहां गया फिर वो वहां गया फिर उसने ये काम किया उसने वो काम किया और वहां जाके उसने उस व्यक्ति से कहा कि अब उसने जब बोला उस व्यक्ति से कहा तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसके जो डायलॉग है उस डायलॉग को प्रत्यक्ष रूप में रख दू मतलब डायरेक्ट स्पीच अब हम इंग्लिश शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं अगर ना समझ में आए तो बता देना मतलब जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम उसका जो कथन है उसको प्रत्यक्ष रूप में बोलते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं तो जब हम अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप में कहेंगे तो वो उस शैली में लिखा जाएगा जो हमने लिखा है अन्य पुरुष शैली में लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं यानी डायरेक्ट रूप में कह रहे हैं तो हम उसका सेम टू सेम लिखेंगे कि फिर मोहन ने कहा कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा मैं कल घर जाऊंगा तो ये जो यहाँ पे कहा ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन तो हमारी हिंदी भाषा में हालांकि ये होना चाहिए टॉपिक जब हम व्याकरण पढ़ते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन लेकिन इसको कोई पढ़ाता नहीं है इंग्लिश में आप पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो आ, पर मैं समझती हूँ कि आप लोग उसको बदलने की प्रवृत्ति समझते होंगे ठीक वैसे ही होता है जैसे अंग्रेजी भाषा में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं ना उसमें टेंस का ध्यान रखते हैं ऐसे ही इसमें भी हमें टेंस का ध्यान रखना होता है और ए, कहते हैं कि जो हमारा पर्सन यानी जो पुरुष है एक मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष इनका ध्यान रखा जाता है और कुछ नहीं खैर चलो ये आपकी परीक्षा में आता नहीं है आने वाले समय में आएगा ये मुझे पता है क्योंकि मैं उसका वर्णन करने जा रही हूँ अपनी किताब में मैं लिख रही हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो जब किताबों में आ जाएगा अभी तक किसी ने इसका वर्णन ठीक से किया नहीं है पूरी तरह से तो इसलिए किताबों में नहीं आता हाँ आप क्यों डर रहे हो आपके में थोड़ी आएगा आपके बच्चों के लिए आएगा क्यों टेंशन ले रहे हो उनको आप सिखा लेना हम्म तो चलो <laughs> तो आ, कहने का मतलब ये है कि उपन्यास ऐसा होता है अच्छा ये बताओ आप में से कितने छात्र हैं जिन्होंने कोई एक उपन्यास पढ़ा है कोई भी कोई भी उपन्यास पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा गोदान पढ़ा है किसी ने गोदान पढ़ा है ना तो देखो जो गोदान है वो उपन्यास है आप उसमें समझ सकते हो कि कैसे वो गद्यांश में दिया होता है उसके डायलॉग होते हैं तो ये होता है हमारा उपन्यास अब मैं ये आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप उसे समझ सकें जब आप किसी विधा को देखें और पढ़ें, और शांत हो जाओ बाद में लड़ना बाहर जाके जब मैं क्लास खत्म कर लूँ, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कहानी अभी यही स्टॉप कर लो बाद में शुरू करना इसको चलो तो कहानी कहानी हमारी क्या है वो देखो ध्यान दो हिंदी साहित्य में इस विधा में किसी चरित्र के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है बात समझ में आई ठीक की जैसे किसी एक एक घटना घटना का वर्णन हो रहा है और उस एक घटना को ही क्या बताया विस्तार रूप से इसमें केवल एक ही मुख्य कथा होती है मतलब कोई इसमें लघु कथा नहीं होगी केवल एक ही कथा होती है इसे उपन्यास की छोटी इकाई भी कह सकते हैं मतलब अगर ये पूछा जाए कि उपन्यास की छोटी इकाई क्या है तो कहानी हो जाएगी ठीक अब जैसे कहानी में आपने देखा होगा कभी पढ़ी है आपने बहुत सारी कहानियाँ आई पुरस्कार कहानी थी एक जयशंकर प्रसाद की अगर आपने पढ़ी हो तो या आ, क, आ, कहानी है जैसे यही सच है मनु भंडारी की या और भी बहुत सारी कहानियाँ आती है जैसे पाजे एक व्यंगात्मक कहानी आप नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं अगर याद हो तो आपको या जामुन का पेड़ एक आता है वो कहानी है आपकी ठीक है तो शायद जामुन का पेड़ तो मुझे लगता है एकांकी है डायलॉग में है ना वो तो जामुन नहीं वो शायद कहानी ही है ठीक है तो कहानी यानी एक घटना को दर्शाते हुए जो लिखा गया है वो कहानी में आएगा बात करेंगे हम नाटक की तो नाटक हमारा क्या होता है नाटक हिंदी साहित्य की एक ऐसी गदविधा है जिसमें किसी चरित्र की कहानी का वर्णन संवादों के माध्यम से होता है इसमें यह पॉइंट है है बिल्कुल आपका उपन्यास और संवाद क्या होता है संवाद होता है कि मान लो अगर आपने यहाँ पर ये एक व्यक्ति है एक व्यक्ति और ये जो अपनी बात कह रहा है ये अपनी बात बोल रहा है डायरेक्ट जैसे उसने बोला वैसे वैसे ही लिखा हुआ है फिर ये दूसरा व्यक्ति है इसने अपनी बात बोली जैसे हम बात करें आपस में वैसे ही लिखा हुआ है फिर ये पहला व्यक्ति कुछ कहता है फिर ये इसका जवाब देता है फिर दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है तो फिर इसका जवाब देता है अगर मान लो इनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो तीसरे व्यक्ति ने कुछ बोला तो उसका जवाब भी इसी तरह से जो उसने कहा है वो ऐसे ही रहता है यहाँ उसका नाम लिखा होता है जो वो बोल रहा है और वो जो कह रहा है वो सामने लिखा होता है इसको कहते हैं संवाद यानी जिसे आप डायलॉग कहते हो ठीक है तो संवाद रूप में जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है नाटक कहलाता है हाँ बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल एकांकी इसका छोटा रूप है ये बड़ा है आगे देखो इसमें आगे दिया हुआ है कि संवादों के माध्यम से होता है नाटक अंकों में बटा होता है अब जैसे वहां पे आपने देखा था महाकाव्य में सर्ग नाम दे रखा था यहां पे नाम क्या दिया है अंक बात एक ही है आप उसे सर्ग कहें भाग कहें कांड कहें अंक कहें वो एक ही चीज के लिए यहाँ नाम दिए गए अलग अलग तो अंक में बटा होता है मतलब पहला अंक दूसरा अंक तो नाटक कम से कम दो अंक का होता है अगर एक अंक का होगा तो वो एकांकी बन जाता है हम जानते हैं ना एकांकी शब्द एक प्लस अंकी से मिलकर बनाए तो जिसमें एक ही अंक होता है वो क्या हो जाता है एकांकी हो जाती है और जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक अंक होते हैं वो नाटक कहलाता है देखने में दोनों एक जैसा ही होता है तो प्रकृति दोनों की एक जैसी ही होती है एकांकी हिंदी साहित्य की वह गदविधा है जो नाटक की तरह ही संवाद के रूप में होती है किंतु यह एक अंक में होती है इसलिए ये एकांकी कही जाती है और इसे हम नाटक का छोटा रूप भी कह सकते हैं आपने देखा होगा पढ़ी होगी कि आ, आ, वो कौन सी कहानी थी एकांकी आपकी अंधेर नगरी चौपट राजा पढ़ी होगी ना अंधेर नगरी तो वो वो क्या है वो एकांकी है या रीढ़ की हड्डी आपने पढ़ी होगी टेंथ क्लास में आती है तो ये हमारी क्या है एकांकी है इसके बाद आता है हमारे जीवनी जीवनी और आत्मकथा देखो दो चीजें हैं जीवनी और आत्मकथा जो जीवनी है इसमें भी किसी के जीवन की कथा है और जो आत्मकथा है इसमें भी किसी के जीवन की कथा है लेकिन दोनों में अंतर क्या है जीवनी हिंदी साहित्य की ऐसी गदविधा है जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा का वर्णन करता है अपने शब्दों में यानी जो व्यक्ति है सामने वो आत्मकथा होती है ठीक है जब जैसे मान लो कि आप अगर लिखना चाह रहे हो आप मेरे जीवन के बारे में लिखना चाह रहे हो आपको नहीं पता है मेरे बारे में कुछ भी मुझसे आपकी प्रत्यक्ष उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई है जितना आप पढ़ने आते हो जितना मैंने अपने बारे में बताया आप उतना ही जान रहे हो और फिर आपने थोड़ी सी रिसर्च करी कि मैम ने कहाँ जन्म लिया कहाँ पे पढ़ी और किस तरह से कब क्या ऐसे ये सारी चीज़ें जान के और काम आपने क्या किया ये सारी चीज़ें आपने लिख दी वो होती है जीवनी जीवनी में किसी भी लेखक के बारे में पूरी तरह से हमें पता नहीं चलता है वो उसका अपना चरित्र कैसा है हमें इस बारे में पता नहीं चलता उसका स्वभाव कैसा है उसका स्ट्रगल कैसा है ये भी हमें नहीं पता चलता हमें केवल और केवल उसका वो पार्ट दिखाई देता है जो समाज ने हमें दिखाया है ठीक है तो जीवनी के अंदर वो आता है लेकिन आत्मकथा आत्मकथा वो होती है तो हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपनी ही कहानी या अपने ही जीवन की कथा का वर्णन करता है अब आप कहेंगे कि मैम तो जितने लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो क्या सबके सब लेखक होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होता लिखना कोई इतनी आसान बात नहीं है लिखा भी अलग तरीके से जाता है ठीक है तो जैसे आपने अभी सुना होगा कि संजय दत्त ने अपनी आत्मकथा लिखी है तो संजय दत्त ने नहीं लिखी संजय दत्त ने अपनी आत्मकथा को अपने शब्दों में बया किया है लिखा किसी और लेखक ने है ठीक है तो वह भी आत्मकथा ही कहलाएगी पर क्यों क्योंकि उसमें लेखक का अपना कुछ नहीं है लेखक ने तो बस उन्होंने बोला है बताया है और लेखक ने उसको बस सही शब्द और सही वाक्य देके उस चीज को पिरोया है तो वह भी आत्मकथा होती है तो यहां कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कथा स्वयं ही लिख रहा है या स्वयं लिखवा रहा है वो किसके अंदर आती है आत्मकथा के अंदर आती है ठीक है और ये वाला जो चलन है अब अगर हम देखें आत्मकथा के हम दो हिस्से कर सकते हैं एक स्वलिखी और एक पढ़ लिखी अब अगर ऐसे दें तो एक जो स्वयं ने ही लिखी है जो लेखक है वो स्वयं ही लिख रहा है और एक है कि पढ़ लेखन अगर करें तो किसी दूसरे ने लिखी है लेकिन हमने बताई है उसको तो आजकल के टाइम में ऐसी जो आ, मतलब आत्मकथा है इसका बड़ा ही प्रचलन है लोग बताना चाहते हैं लोगों को जैसे फेमस लोग हो गए हैं या उन्होंने अपने जीवन में कोई स्ट्रगल किया है या समाज में उनका जो व्यक्तित्व है वो किसी दूसरे रूप में गया है अगर तो उस छवि को सुधारने के लिए लोग अपनी आत्मकथा को लिखते हैं या फिर कुछ लोग अगर अपने जीवन से समाज को कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं कि भाई मैंने अगर जीरो से शुरू करके और इतनी सब कुछ पाया है और उस चीज़ में अगर लोगों को प्रोत्साहित ना चाहते हैं तो फिर वो अपनी आत्म लिखते हैं अब इसके बाद हमारा अगला आता है निबंध और आलोचना निबंध और आलोचना इन दोनों में क्या अंतर होता है ये कैसी विधाएं हैं हमारी निबंध की बात करें तो निबंध हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर बिना किसी पात्र के माध्यम से सीधे सीधे अपने विचार प्रस्तुत करता है अब देखो एक बात ध्यान रखो हम इतने समय से पढ़ रहे हैं कि लेखक ये करता है ये लिखता है वो लिखता है वैसे बताता है तो जब भी लेखक लिखता है किसी भी कहानी को लिखता है तो वो होता तो समाज से ही है समाज से कोई घटना उठाई जाती है अब ये घटना उसके खुद के जीवन की हो सकती है उसके भाई बंधु की हो सकती है रिश्तेदार की हो सकती है उसके पड़ोसी की हो सकती है या वो रास्ते में कहीं जा रहा था कोई ऐसी घटना उसके सामने घटी जिस घटना को अपने दिमाग में उसने रख लिया और उसी घटना को आधार बना के कोई नया पात्र बनाया और उसने थोड़ी सी काल्पनिकता उसमें जोड़ के उस कहानी को रच डाला तो ये होता है जो लेखक लिखता है लेकिन जो निबंध है निबंध वो लेखन है कि जिसमें लेखक किसी पात्र का माध्यम नहीं लेता वो किसी पात्र के माध्यम से आपको कुछ नहीं बताना चाहता कोई घटना है कोई चर्चा है या कोई किताब या कोई भी चीज है जिसके ऊपर वो अपने विचार प्रस्तुत करता है तो सीधे सीधे अपने विचार प्रस्तुत करना शुरू कर देता है उस घटना का जिक्र करता है और वो विचार प्रकट कर देता है तो वही क्या कहलाता है निबंध कहलाता है जैसे आपने पढ़ा होगा ये निबंध आता है हमारी आ, शायद बीए के एग्जाम में अगर आपने साहित्य लिया हो तब आता है वैसे तो आ, जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी में भी ये आता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है अब इसमें कुछ नहीं है इसमें जो लेखक है वो वर्णन कर रहा है तीन टाइम का वर्णन कर रहा है एक वर्णन वो अपने जीवन का जब जिस समय वो बच्चा था और उसकी माँ और उसकी दादी उसके लिए किस तरह से फिक्रमंद रहती है तीसरे टाइम का वर्णन कर रहा है वो जब राम वन को गए थे तो कौशल्या के मन पर क्या बीतती थी क्या गुजरता होगा उसका वर्णन कर रहा है और तीसरी जो उसमें कहानी है वो है उसके अपने बेटे की जो उसका बेटा बाहर गया हुआ है मतलब रात का टाइम है वो इंतज़ार कर रहा है अपने बेटे के लौटने का और वो बाहर गया है बारिश हो रही है बहुत तेज उसे चिंता हो रही है कि उसे इस समय लौटना था वो कहाँ पे होगा क्या हो रहा होगा कैसे कर रहा होगा तो वो इन तीनों चीज़ों को आ, मिलाते हुए अपनी बात प्रकट करता है और अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा ये निबंध है अगर आप पढ़ें अगर आपको मौका मिले तो इसमें हमें ये सिखाता है कि हम जिस उम्र में अभी हैं जिस समय हमारे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती तो इस उम्र में अगर आपके मम्मी पापा या दादा दादी कभी आपको ये बोलें कि अरे टाइम से घर आ जाए करो कहाँ रहे थे तुम तुम्हारे से रहे थे तो आप बहुत ही चिल्ला के पढ़ते हैं क्या आप ये करते रहे मैं बच्चा नहीं हूं मैं अपनी खुद देखभाल कर लूंगा ये सारी चीजें तो लेखक भी वही सोच रहा है कि आज मेरा बेटा बाहर गया हुआ है और मैंने ये आ, सोचा था कि जब मेरी दादी और मेरी मम्मी मेरे बाहर जाने पर फिक्रमंद होती थी और मैं घर आके लौटता था तो वो मुझसे गुस्सा होती थी और मैं उनसे कहता था कि मैं बच्चा नहीं हूं और आप क्यों मेरे लिए चिंता करती हो तो उस समय मैं उन्हें ऐसे डांट देता था पर उनका पक्ष मुझे आज समझ में आ रहा है जब मेरा बेटा खुद बाहर है और मैंने ये सोचा है कि मैं मेरे बेटे को कभी नहीं डांटूंगा वो लेट आता है तो उस चीज पे क्योंकि मेरे घर वालों ने डाटा तो आप भी ऐसे सोचते होंगे कि मेरा बच्चा होगा ना मैं उसको कुछ नहीं डांटूंगा कुछ नहीं रोकूंगा किसी चीज से तो ऐसा ही अब लेखक उस स्टेज में पहुंच चुका है तो फिर उसी क्रम में वो अपनी बात को रखता है तो मे राम का मुकुट भीग रहा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मिल जाएगा नेट पे आपको तो देखो कहानी हाँ जी वो वो निबंध और ये निबंध दोनों से बिल्कुल अंतर है ठीक है हाँ निबंध देखो आप फिर उस बात को भटक रहे हैं वहां आपके विचार व्यक्त करवाने के लिए आता था आपको क्या विचार आता है उस पॉइंट पर जो आपको सोचना है इसके बाद आलोचना आपने देखा होगा आलोचना शब्द का मतलब हम सीधा सीधा समझते हैं किसी चीज की बुराई लेकिन साहित्य के अंदर अगर किसी चीज़ की आलोचना जब आपने पढ़ने जाएंगे तो आलोचना का मतलब केवल और केवल बुराई नहीं होता है आलोचना का मतलब होता है कि उस चीज़ पर निष्पक्ष होकर सोचना उसमें जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव तो आलोचना हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी अन्य वस्तु या विषय या रचना या किसी की कृति उस पर अपने विचार व्यक्त करता है उसके गुण या दोस्त जो लिखता है उसके अंदर जो उससे कमी रह गई लेखन में या उस कहानी में जहाँ पे उसने उस चीज को ढीला छोड़ा वो सारी चीजों का विवेचन करता है उसी को हम कहते हैं आलोचना जैसे मान लो कि अगर किसी लेखक ने कोई कहानी लिखी कोई उपन्यास लिखा और उस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपने उस उपन्यास पर अपने विचार लिखे और बताया कि इसमें जो ये पात्र है यहाँ पर जो ये इस घटना का जिक्र किया है वास्तविक लगती है इससे अच्छी सीख मिलती है लेखक ने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है आप ऐसे लिख रहे हैं और फिर कहीं कोई घटना आपको ऐसी लगती है बचकानी सी लगती है या ऐसी बातें बहुत अलग चीज जैसे मुंशी प्रेमचंद के अगर हम बात करें तो उनकी गोदान की जब बात होती है तो अक्सर जो आलोचना होती है उनकी तो उसमें आता है कि जो उन्होंने परिवेश की चीजों को जो दर्शाया है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसके बराबर कोई है ही नहीं उसका कोई सानी नहीं है लेकिन जो आपका जो शहरीकरण का उन्होंने जो दृश्य दर्शाया है उसमें वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं जबकि ऐसा शहर में कुछ होता नहीं है और शहरी लोगों को कुछ ज्यादा ही सभ्यता की वाली चीज में दिखाया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबके अपने अपने विचार हैं हो सकता है कि कोई पात्र एक ऐसा उनकी नजर में हो या फिर हम ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने जो जीवन देखा वो ग्रामीण जीवन ज्यादा देखा था वो ग्रामीण जीवन में ज्यादा रहते थे शहरीकरण में उतना ज्यादा वो नहीं थे तो उस चीज़ को नहीं समझ पाए तो हम ये कहते हैं कि लेखक जब कुछ भी लिखता है तो वो अपने अनुभव से ही लिखता है तो अब इस पर जो हमने गोदान पे जो हम उनकी चर्चा करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वो सब हमारी किस में जाएंगी आलोचना में जाएंगे तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं तो ऐसे आलोचना आती है अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे आधुनिक काल के सबसे बड़े आलोचक कौन हैं तो शुक्ल जी और ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आलोचना करने वाला व्यक्ति अपने आप में सुपर फास्ट हो या अपने आप में सुप्रीम हो शुक्ल जी ऐसे हैं जिस भी बंदे पर उन्होंने हाथ रख दिया उसको तो भस्म कर देंगे उनका तो खत्म तबाह पर इनके कुछ फेवरेट हैं जैसे तुलसीदास तो तुलसीदास के बारे में बहुत पॉजिटिव लिखते हैं और सूरदास के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव लिखते हैं तो वहीं पे अब आधुनिक काल में देखते हैं तो हरिशंकर प्रसाही नई वो एक दूसरे और आलोचक हैं हमारे द्वेदी जी हजारी प्रसाद द्वेदी तो हजारी प्रसाद द्वेदी जी जो हैं वो इनके एंटी लिखते हैं जब आप इनकी चर्चा करेंगे देखेंगे इसमें तो शुक्ल जी ने कुछ लिखा तुलसीदास पे या सूरदास पे तो जो हजारी प्रसाद द्वेदी हैं वो उसके एंटी में लिखेंगे तो कहते हैं हजारी प्रसाद द्वेदी जी को सूरदास जी बहुत पसंद है। वो हैं वो कृष्ण के भक्त हैं

पर वो दूसरों में नकल तो ऐसे भी लोग होते हैं हमारे समाज में कि जो आपको बता देंगे कमियां क्या रह गई अगर उनसे आप सुधार के लिए पूछे तो कहेंगे नहीं मेरे अंदर भी सेम ही कमियां हैं बस मैं बता दूंगा तो ऐसे हमारे सुकुल जी हैं आलोचक यात्रा वेतान्त की अगर हम बात करें तो यात्रा वृत्त में आता है कि जैसे आजकल तो आप लोग घूमने चले जाते हो लेकिन प्राचीन समय में या जब की बात करें जब हमारा परिवहन के उतने ज़्यादा साधन नहीं थे हम एक गांव में ही पूरा जीवन गुजार देते थे ऐसी जगह पर तो वहाँ पर जो लेखक हुआ करते थे तो लेखक घूमते थे और वो जब भी घूमते थे तो वह अपनी यात्रा के बारे में कुछ लिखा करते थे और वो जो लिखा जाता था वही हमारा क्या कहलाता था यात्रा वृत्त और उसी को हम यात्रा वृत्त के नाम से जानते थे जैसे मान लो कि लेखक अगर जैसे लिखता है कि जैसे मैं वैष्णो देवी की यात्रा पे गई तो उसके बारे में अगर वर्णन करना हो तो ये कह सकते हैं कि साढ़े पांच बजे का टाइम था शाम का और हम लोग दिल्ली स्टेशन पर खड़े थे हम इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन आने वाली थी और जैसे ही ट्रेन आके रुकी तो हम जल्दी से उसमें चढ़ने वाले थे पीछे से एक बंदा बहुत तेज़ से जोर से फड़फड़ाते आया और धक्का मार के अंदर ट्रेन में घुस गया उस समय मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया था लेकिन छोड़ दिया चलो कोई बात नहीं इसको ज़्यादा जल्दी है फिर अंदर जाके अपनी सीट देखी और सीट पे आराम से बैठ गई मैंने अपने बैग को सीट के नीचे रखा और रिलैक्स होके फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला समय ज्यादा हो चुका था खाना खाने के बाद मैं सो गई और फिर मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि चाय 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 चिल्लाते हुए एक आवाज आ रही थी इसी से मेरी आँख खुली देखा तो हमारी गाड़ी आ, उत्तर प्रदेश के आ, एक स्टेशन पर खड़ी थी मैं समझ नहीं पा रही थी कि स्टेशन कौन सा है या नहीं है देखो पकड़ लिया देखो पकड़ लिया रुक जाओ शांत हो जाओ अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि अब जो मैं आपने ये चर्चा कर रही हूं जैसे हर एक स्टेप को तो आप मेरे साथ होली है ना उस ट्रेन में होली है ना अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊ ये कोई कहानी नहीं है मैं जस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूं भाई हद है मैं आपको बस ये दिखाना चाहती हूँ कि या, यात्रा जब आप पढ़ते हैं तो आप कैसे यात्रा लेखक के साथ उस यात्रा को कर लेते हैं मान लो वहां पे ये बताया कि चाय चाय की आवाज करता हुआ एक लड़का आया तो आपको वो सारी चीजें आपके दृश्य घूम जाएगा तो यही यात्रा वृत्त होता है और लेखन यही होता है जैसे अभी आपको थोड़ा सा रस आने लगा तो ध्यान दो शांत हो जाओ एक मिनट आगे कुछ अगर ये नहीं टोकता तो मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाती हूँ देखो ये मैं तुरंत बता बना रही थी अब मेरा भी तो दिमाग चलेगा ना कि आगे क्या बताना है अब इसने बीच में टोक दिया यही बात होती है है ना तो खैर चलो अरे बात को सुनो सुनो हमने यहाँ पर विधाये पढ़ी और विधाये हमारी समाप्त हो गई बात सुन लो कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी ठीक है फिर कभी अरे कल परसों हम क्लास करेंगे और परसों जो आपको बुक लेके आनी है वो लेके आनी है पार्ट सात जो आपको मिला हुआ है इकाई सात ठीक है हाँ नई बुक ठीक है हम्म कुछ नहीं रह गया दो चार